दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 41,000 की संख्या को पार कर गया। ऐसे जानलेवा बीमारी की चपेट में आने से 1300 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। देश की राजधानी में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसके चलते यहाँ बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। इसी को लेकर दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए आज एक बार फिर से गृहमंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के अध्यक्ष शामिल हैं। वहीं से पहले गृहमंत्री ने रविवार को भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया गया। लगातार देश भर से कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इन सभी के बीच में अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहां पर सबसे ज्यादा कोरोना ने एक कोहराम, एक तरीके से कहा जा सकता है, जो मचाया हुआ है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रीत किरण दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, पूरे देश भर की अगर बात करें तो कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन विशेष तौर पर अगर दिल्ली की बात यहां पर हम करें तो 41,000 का संख्या बेहद भयावह स्थिति, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल जयती, जो दिल्ली में मौत का आंकड़ा है वो 1,327 हो चुका है जी। काफी ज्यादा संख्या, जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही थी कि जो रिकवर होने वाले मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं देश में, बाकी जो राज्य है वहां से बेहतर स्थिति है दिल्ली की, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। इसको लेकर कल गृह मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम स्टेप्स उठाए गए हैं कि दिल्ली में किस तरीके से कोरोना पे काबू पाया जाए। इसके लिए तीन टीमें अलग अलग बनाई गई हैं जो कि दिल्ली के निजी अस्पताल और दिल्ली सरकार के अस्पतालों को एडवाइस करेंगी किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, दिल्ली के डॉक्टर्स किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ट्रीट करें। इसके लिए जो एम्स के जो वरिष्ठ डॉक्टर है उनके अध्यक्षता में ये टीम काम करेगी। साथ में आज एक बैठक चल रही है, करीबन आधे घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए। गृह मंत्रालय की ओर से ये बैठक बुलाई गई है जिसमें सर्वदलीय बैठक, जिसमें तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो इसमें मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह बैठक में शामिल हुए, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी इस बैठक में शामिल है और इसके साथ ही बीएसपी के नेता भी शामिल हुए हैं। तो तमाम जिस तरीके से विरोधी दल आरोप लगा रहे थे कि हमसे ओपिनियन नहीं लिया जा रहा है, तो इस बैठक में विपक्ष के नेताओं से भी ओपिनियन लिया जाएगा, पक्ष के नेताओं से भी ओपिनियन लिया जाएगा और किस तरीके से जो एनजीओज हैं, स्वयंसेवी संगठन है, उनको भी आगे आके किस तरीके से काम करना है, ये उनसे कहीं ना कहीं राय ली जाएगी और कमी कहाँ पर है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी जी। प्रीत, एक और चीज है, चूंकि दिल्ली से इतने ज्यादा संख्या में केसेस आ रहे हैं तो कुछ ना कहीं ये कारण इसलिए है क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, जमात वाला सिलसिला भी दिल्ली में हुआ, इसके बाद में प्रवासियों के आने जाने की सिलसिले को भी देखा जाए तो सारे लहजे से दिल्ली अभी एक हब बना हुआ है कोरोना का। लेकिन आगामी दिनों में दिल्ली को, क्योंकि एक कैपिटल है पूरे देश का, तो इसे बचाने के लिए क्या प्रयास सरकार के द्वारा अन्यत्र इसके किए जाएंगे? देखिए, दिल्ली कैपिटल है, इसी तरीके से आर्थिक तौर पर मुंबई आर्थिक कैपिटल है, दोनों ही महानगरों में केसेस काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं और इसको रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक कोरोना कोष बनाई गई है जिसमें कि जो तमाम पॉजिटिव मरीज होंगे उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए उसको बनाया गया। इसके साथ ही दिल्ली को रेलवे की ओर से 500 कोचेस दिए जा रहे हैं जी। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार मदद कर रही है, वेंटिलेटर्स दे रही है, इक्विपमेंट दे रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, सर्वदलीय जो बैठक हो रही है उसके अंदर की जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और जो इन्फेक्टेड फैमिली है जहाँ पे पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं उन फैमिलीज को 10,000 रुपए दिए जाए। साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट है, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट को भी हॉस्पिटल्स के पैरामिलिट्री पैरामेडिकल स्टाफ में शामिल किया जाए ताकि डॉक्टर्स की जो कमी है जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रीत।